हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के बुक हनीकॉम का पहला चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आज। ये कहानी जो है वसंता सूर्या ने लिखी है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thatha, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi, and Meena. तो मृदु एक यंग गर्ल है जो मद्रास में रहती है। मद्रास को अब हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। वो वहां पे अपनी दादी के साथ रहती है और दादाजी के साथ। उसकी दादी का नाम है तापी। एक दोपहर तापी जो है, मतलब उसकी दादी, उसे अपनी आंट के यहाँ लेके जाती है जिसका नाम है रुक्कुमणि। और वहां पे मृदु अपने कजन से मिलती है। उसके कजन्स का नाम है लल्ली, रवि और मीना। यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे कि ये स्टोरी जो है ये तमिल में लिखी हुई है। तो तमिल में पाटी मतलब का मतलब होता है ग्रैंड मदर और थत्था का मतलब होता है ग्रैंड फादर। तो आगे स्टोरी में जहाँ पे भी पाटी या थत्था वर्ड यूज होगा तो आपको पता रहेगा कि वो ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर के लिए यूज है। A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. तुम रुकुमणि ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और रवि और मीना जो कि मृदु के कजिन्स थे वो फटाफट बाहर निकले और मृदु को घर के अंदर खींचने लगे। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। और मृदु ने कहा, रुको, मुझे अपनी चप्पलें तो खोलने दो। She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. और मृदु ने अपनी चप्पल जहाँ पे खोली वहाँ पे एक और जोड़ी चप्पल रखी हुई थी जो कि काली थी, लेकिन धूल की वजह से उसका जो रंग था वो ग्रे हो गया था। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. उस चप्पल पे हर एक उंगली के निशान जो थे आप आसानी से देख सकते थे। और द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। और जो सबसे लंबी जो दो उंगलियां थी उसके जो मार्क्स थे वो लंबे थे और स्क्रॉनी थे, मतलब बहुत पतले थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हूज स्लिपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। और मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो सोचे कि वो आखिर में चप्पलें किसकी थी, क्योंकि रवि ने उसको बैकयार्ड में या मतलब आंगन में उसको खींच लिया जहाँ पे एक बिटर बेरी मतलब एक कड़वे फल जैसे जंगली फल होते हैं उसकी झाड़ी के पीछे कुछ था। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। और उस बेरी बिटर बेरी बुश के नीचे, उस झाड़ी के नीचे जो था एक किटन था, एक छोटी सी बिल्ली थी या बिल्ली का बच्चा था। और वो बिल्ली का बच्चा जो था एक पुराने फटे हुए फुटबॉल जिसपे जिसके नीचे बोरा रख दिया गया था और उसमें सैंड रखा हुआ था और उस फुटबॉल के अंदर वो किटन, वो बिल्ली का बच्चा बैठा था और वो एक कोकोनट शेल, एक कोकोनट के ऊपर वाले छिलके से उसमें से रखा हुआ मिल्क पी रहा था। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. और मीना ने कहा कि हमने इस बिल्ली के बच्चे को गेट के बाहर देखा, पूरा टाइम ये बस म्याओ म्याओ कर रही थी बेचारी। तो mewing मतलब वो जो आवाज जो बिल्लियां निकालती हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिटरबेरी बुश है, ये एक झाड़ी है जिसके नीचे एक बिल्ली का बच्चा जो है वो रखा हुआ है और यहाँ पे मृदु, मीना और रवि जो है वो उसको देख रहे हैं। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। और मीना कहती है कि ये सब एक सीक्रेट है। उसकी मदर ने कहा है कि अगर पार्टी को पता चला कि हमारे घर में एक बिल्ली है तो वो पड्डू मामा के घर चली जाएंगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर दे स्क्रीम। ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, सेड रवि। और रवि कहता है कि लोग हमेशा कहते रहते हैं कि हमें एनिमल्स की तरफ काइंड होना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जब भी हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो चिल्लाते हैं, उस गंदी सी चीज को मत लेके आओ, ऐसा कहते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ।
तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है एक ग्लास दूध किचन से लाना? पार्टी ने अभी अभी मुझे एक ग्लास के साथ देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी। और मैंने पार्टी से कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे मेरा मन है उस दूध को पीने का, लेकिन उन्होंने जैसे मेरी तरफ देखा। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। और मुझे उनका शक दूर भगाने के लिए ज्यादा दूध खुद ही पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। पार्टी पार्टी, आई वॉश इट माई सेल्फ एंड वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। और उसने कहा कि उसके बाद तो उनको वो ग्लास चाहिए था वापस। फिर उसने अपनी पार्टी से कहा कि दादी दादी, मैं खुद ही धो लूंगा, आपको क्यों मैं परेशान करूं, ऐसा रवि ने कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। और रवि कहता है कि फिर मैं दौड़ के उस कोकोनट शेल में मिल्क डाल के आया और फिर वापस दौड़ के इस ग्लास को मैंने धोया और फिर रख दिया ताकि पार्टी जो है उनको कोई शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। और अब हमें महेंद्रन को खाना खिलाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन? मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। और मृदु ने जब सुना कि उस किटी का या उस किटन का नाम जो था वो महेंद्रन था, तो वो काफी चौंक गई और वो काफी इम्प्रेस भी हुई, क्योंकि वो नाम जो था एक रियल नाम था। वो कोई ऐसा नाम नहीं था जो कि लोग बिल्लियों का जनरली रखते हैं। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। और रवि कहता है कि इसका आप पूरा नाम जो है वो है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, और शॉर्ट में तुम एमपी पुन्नई भी बुला सकती हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन। और वो कहता है कि ये बहुत एक अच्छे नस्ल की बिल्ली है, उसका फर तो देखो, और ऐसा लगता है जैसे किसी शेर का मेन है। लायन का मेन जो है उसके गर्दन के अराउंड जो बाल होते हैं उसको कहते हैं। एंड यू नो वॉट द एम्बलेम ऑफ एंशियंट पल्लवा किंग्स वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। मृदु गिगल्ड। और वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि पल्लव किंग्स जो थे वो, उनका जो एम्बलम था, उनका जो सिंबल था वो क्या था। और फिर वो मृदु की तरफ देखता है और होप करता है कि मृदु को वो आंसर पता होगा, लेकिन मृदु बस नर्वसली हंसती है, उसको एक्चुअल में पता नहीं होता है। थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। और रवि कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, रुको मैं दिखाऊंगा कभी तुम्हें। और ये तो साफ हो ही गया है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? ही सेड मिस्टीरियसली। और उसने रहस्यमय ढंग से मृदु से पूछा, तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थथास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। और वो कहता है कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो मैंने एक मूर्ति देखी थी जो महेंद्रन के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा एटसेट्रा एटसेट्रा उनकी थी। और फैक्ट ये है कि महेंद्रन उसी पुरानी कैट की फैमिली को बिलोंग करता है, उनका वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लायन, द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। और वो कहता है कि अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो महेंद्रन शेर यानी लायन का करीबी रिश्तेदार है, वही शेर जो पल्लवा राजा का एम्बलम यानी सिंबल या चिन्ह था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग। और रवि एक टहनी लेके अपने हाथ में हिलाते हुए उस झाड़ी के आसपास घूमने लगा और उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन दी महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। और वो कहता है कि ये जो कैट है ये महाबलीपुरम ऋषि कैट के परिवार से है। और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि पुराने इजिप्ट में कैट्स की पूजा होती थी, उन्हें भगवान माना जाता था। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स।
रवि को अपनी ही आवाज कितनी पसंद थी। मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक्सचेंज लुक्स का मतलब है एक दूसरे की तरफ देखना। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने पूछा, इन सब का किसी भी चीजों से क्या लेना देना। आई एम टेलिंग यू, दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बास्टेट, या दैट्स इट। और रवि कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो कैट है ये उसी इजिप्शियन, इजिप्ट की जो कैट की देवी थी उनसे आया हुआ है, ये उसी का वंशज है। और उस कैट गॉडेस यानी कि कैट की देवी का नाम था बास्टेट। सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स। और वो कहता है कि एक जो उनमें से वंशज था उस कैट गॉडेस का, वो पल्लव के शिप्स में, उनके जहाज में जाके वो छुप गया। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और जो महाबलीपुरम ऋषि कैट था वो उस कैट गॉडेस के डिसेंडेंट का डिसेंडेंट था, मतलब उसका वंशज था। और रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, एमपी पुन्ने हियर, वुप पीक ही श्रीक वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ। और वो कहता है कि ये जो एमपी पुन्ने है यानी कि जो रवि का कैट है वो उसी महाबलीपुरम ऋषि कैट का डिसेंडेंट है, मतलब उन्हीं की फैमिली से ये कैट बिलोंग करता है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। रवि की इस आवाज से जो है महेंद्रन चौंक गया था। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। और वो जो कैट था वो अपने क्लॉज को, अपने पंजों को जो है वो कोकोनट शेल के ऊपर शार्प कर रहा था, उनको तेज कर रहा था, धारदार बना रहा था। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वू पीक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। लेकिन रवि की इस ऑफुल खराब आवाज से भी ज्यादा खराब एक आवाज विंडो की तरफ से आई। वॉट अ वियर्ड साउंड, कितनी अजीब आवाज थी वो। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, एमपी पुन्ने वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। और मृदु जो थी वो तो थोड़ी चौंक गई थी, लेकिन एमपी पुन्ने जो कैट था वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसके बाल जो हैं वो खड़े हो गए। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्करी टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। वो जल्दी से उठा और बैम्बू ट्रे में जो कुछ लाल मिर्चें पड़ी हुई थी उसकी तरफ वो भागा। स्करीड का मतलब होता है जल्दबाजी में भागना। ट्राइंग टू हाइड बिनिथ इट ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। और वो जो बैम्बू का ट्रे था जिसको हम सूप कहते हैं हिंदी में, तो वो सू उसके उस पे जो मिर्ची पड़ी हुई थी वो उसके नीचे छुपने की कोशिश करने लग गया। और उस प्रोसेस में उसकी वजह से कुछ चिलीज, कुछ मिर्चें जो थी वो उसके ऊपर, महेंद्रन के ऊपर भी गिर गई। मियाउ ही हाउल्ड मिजरेबली। और वो बेचारा कैट जो था वो डर गया था, इसीलिए वो रोने की आवाज निकालने लग गया। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। और वो क्रीच की आवाज जो थी वो कंटिन्यूअसली आ ही रही थी, तो मृदु ने पूछा कि ये क्या आवाज है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। और रवि ने कहा कंप्लेन करते हुए कि ये लल्ली वायलिन बजा रही है, उसी की आवाज है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन व्हाइल लल्ली इज ऑल द टाइम डी रेलिंग, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। और वो कहता है कि वो कभी भी कुछ नहीं सीखेगी। म्यूजिक मास्टर जो है वो तो एकदम रेलगाड़ी की तरह सरसर करते हुए वायलिन बजाते हैं, लेकिन लल्ली क्या करती है, लल्ली हमेशा डी रेल होती है, हमेशा रेल की पटरी से जो ट्रेन उतर जाती है उसकी वायलिन बजाने का प्रोसेस वैसा ही है, हमेशा वो पटरी से उतर जाती है, मतलब वो बहुत खराब वायलिन बजाती है। यू कैन सी हियर कि लल्ली जो है ये वायलिन बजा रही है, ये इसके म्यूजिक मास्टर है यहाँ पे। और ये बच्चे जो हैं मृदु, मीना और रवि, ये यहाँ से इस विंडो से देख रहे हैं और यहीं से जो है ये आवाज आ रही थी। तो बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट था गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का। हम सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी करेंगे। आई होप कि इस पार्ट को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चंस के आंसर्स आप इजीली दे पाएंगे। आई होप इस वीडियो के थ्रू आप ये चैप्टर अच्छे से समझ पाए होंगे। हम सेकेंड पार्ट भी जल्द ही करेंगे। सब्सक्राइब करिए और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।